गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फ्राइडे। गोवा से आने के बाद काफ़ी दिनों बाद मैं कोई व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली आने के बाद ना कुछ काम में थोड़ा बिजी हो गई थी। थोड़ा कुछ पर्सनल काम था तो रोज़ बाहर जाना हो रहा था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं कोई व्लॉग बनाऊँ। तो फाइनली आज मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ा बातें कर लेते हैं, थोड़ा व्लॉग बनाते हैं। तो अभी थोड़ा लेट हो गया, ऑलमोस्ट 1 PM हो गया। हितेश थोड़ा बाहर गया है कुछ काम से ही, तो अभी मैं कुकिंग करूँगी। ज़्यादा कुछ कुकिंग रिलेटेड वीडियो नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि नॉर्मल खाना ही बना रही हूँ, कुछ शेयर करने लायक है नहीं। बट हाँ, डेली व्लॉग जो है वही मैं शेयर करती हूँ। कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो होता ही रहता है मेरी वीडियोज़ में, चेक करते रहिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest. Hey guys, तो आप लोगों ने देखा मेरा सब कुछ काम हो गया। थोड़ा बहुत क्लीनिंग का किया एंड उसके बाद कुकिंग भी हो गया है। अभी मैं सोच रही थोड़ा नहा के, कल ही ना मैंने हेयर वॉश किया था। हेयर ठीक ही है, पता नहीं क्यों ऐसा अजीब दिख रहा है। तो जो भी हो, मैं नहा के फ्रेश होके आती हूँ, देन मैं आप लोगों के साथ फिर से बात करती हूँ। खाना मैं दिखाती हूँ। आज का चिकन बहुत आसम बना है, पता है। मैंने ऐसे ही जस्ट क्या बोलते हैं, मिक्स करके सब कुछ ढक के रख दिया था, बट अच्छे से कुक हो गया। और राइस थोड़ा, और थोड़ा सा राइस बनाया, थोड़ा मे बी मैं सैलड बना लूँगी, थोड़ा क्यूकम्बर एंड अनियन कट कर लूँगी खाने के टाइम पर, थोड़ा अच्छा लगता है। और हितेश का जस्ट फ़ोन आया था, अभी वो निकल रहे, तो आ जाएंगे 15-20 मिनट में। तब तक मैं फटाफट नहा के फ्रेश होके भी आ जाती हूं। गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी ऑलमोस्ट 5:30 PM हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो गई हूँ, हम लोग बाहर जा रहे हैं। लंच के टाइम पे मैं ना एकदम भूल गई थी दिखाना, शूट करना। तो एनीवेज हम लोग बाहर जा रहे, थोड़ा कुछ काम भी और कुछ क्या बोलते हैं, कुछ मेरे बैंक के डॉक्यूमेंट्स में मेरा ना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी लेना है, तो वो मेरे पास नहीं है। कब से पेंडिंग पड़ा था वो काम, तो मैंने सोचा चलो वो सब आज फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लेते हैं किसी स्टूडियो में जाके, तो वो भी काम करना है एंड कुछ और भी काम है। तो मैं सोचा चलिए अभी निकल ही रही हूँ, तो आप लोगों को भी मैं अपने साथ में लेके जाती हूँ। सब जगह पे तो मैं एंटर अंदर शूट नहीं कर सकती, बट हाँ मैं बताती रहूँगी। और अभी वेदर ना बहुत अच्छा हो गया, हमारे यहाँ पे एकदम भी गर्मी नहीं है और ठंडी भी, जो एकदम बहुत ज़्यादा ठंडी वैसा भी नहीं, इतना अच्छा एक वेदर क्लाइमेट है ना, मैं क्या बताऊँ। तो एनीवेज गाइस, अभी चलिए हम लोग निकलते हैं। मैंने यहाँ पे एक कुर्ती पहना है, तो बाहर जाती हूँ, देन मैं आप लोग से फिर से बात करती हूँ। हे गाइस, तो हम लोग काफ़ी देर पहले निकले थे, जो भी थोड़ा बहुत काम था मैंने बताया था ना वो सब हो गया। अभी सोच रहे हैं कि कुछ खाना खा ले, क्योंकि यहाँ पे आए ही है और HSR एरिया में है, और यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ना रेस्टोरेंट्स है, सब पंजाबी रेस्टोरेंट्स है, जो ऑथेंटिक सब आलू पराठा देन छोले भटूरे ये सब मिलता है। तो यहाँ पे कपूर्स कैफे बोल के एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, तो पहले भी हम लोग यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं। तो यहाँ पे सोच रहे अभी आए, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज़्यादा हो गए यहाँ पे नहीं खाना खाने हम लोग आए थे। और इसका जो मतलब आलू पराठा होता है ना, वो बहुत बहुत मतलब औसम होता है। मैं कभी पंजाब में तो गई नहीं हूँ, बट जितना मैंने हितेश बोलते कि एकदम पंजाब में जैसा आलू पराठा होता है वैसा यहाँ पे मिलता है, और एकदम भर भर के बटर देते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आलू पराठा बहुत जगह पे मिलता है, बट वहाँ पे ना स्टफिंग एकदम कम कम होता है और बहुत पतला होता है पराठा। बट इनका जो आलू पराठा है वो एकदम स्टफिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा भर के डालते हैं और एकदम मोटा होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो वही हम लोग खाने जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि मास्क पहने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी गाड़ी में भी एक से ज़्यादा लोग हो ना तो मास्क पहनना पड़ता है, चाहे फैमिली वाले हो या बाहर वाले हो, कोई भी हो, मास्क पहनना मैंडेटरी हो गया। हम लोगों को वो न्यूज़ पता नहीं था, तो लास्ट टाइम एक दिन निकले थे तो फाइन भी हो गया था, तो अभी मास्क पहन के जा रहे। यार गाड़ी में बैठ के ना मास्क पहनना और टफ होता है,
मतलब सांस लेने में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं तो ऐसे को पकड़ के रख रही हूँ कि यार सांस लेना भी जरूरी है, कोविड से डरना भी जरूरी है, सांस लेना भी जरूरी है प्रॉपरली। तो अभी क्या करें, ऑनेस्टली बाहर जाके आप पब्लिक प्लेस में हो तो वहाँ पे मास्क पहनो, या फिर ज्यादा भीड़ है वहाँ पे मास्क पहनो, ठीक है। गाड़ी में भी मास्क पहनना चाहिए अगर ज्यादा बाहर के लोग साथ में है तो, बट ये एकदम फैमिली हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं उसमें भी मास्क पहनना जरूरी बिल्कुल नहीं। अभी क्या करें, पर जो रूल्स है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। तो एनीवेज अभी हम लोग जाते हैं वहां जाके, मैं दिखाती हूँ क्या क्या हम लोग खाते क्या क्या लेते, देन बाद में आप लोगों के साथ फिर से बात करती हूँ। Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. Like a cargo.